बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आई एम खुर्शीद अहमद शाह, आप देख रहे हैं पाक टेक रिव्यू चैनल। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे जैज़ कैश का अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। जो लोग दफ्तर में नहीं जा सकते, घर बैठे जो है अकाउंट बनाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके अकाउंट में पैसे आएँ भी सही और जाएँ भी सही, तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ की मालूमात देने वाला हूं कि आप घर बैठे जो है अपना अकाउंट खोल सकते हैं और उससे कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी के अकाउंट में भेज सकते हैं और किसी से पैसे मंगवा सकते हैं। क्योंकि हमारी मोबाइल शॉप है और हमें जो है इन चीज़ों के बारे में एक एक चीज़ की जो है मालूमात है। तो सबसे पहले जो है आपने वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक करने के आपके कोई पैसे नहीं लगते, क्योंकि ये मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का तरीका है। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है, जो कि अगर आपके पास टेलीनार, जोंग और यूफोन की सिम है तो आपने जो है प्ले स्टोर पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपने अपनी जैज़ कैश ऐप जो है डाउनलोड कर लेनी है। जैज़ कैश ऐप को जैसे ही डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे मेरा बैलेंस भी आ रहा है और यहाँ पे मेरा नाम भी आ रहा है जो कि मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। मैं सबसे पहले इसको लॉगआउट करूँगा। लॉगआउट करने के बाद जो है आपको तरीका बताऊँगा कि आपने जो है कैसे जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, लॉगआउट के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ सिंपल आप लोगों को चेक करवाने के लिए कि मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक करवाऊँगा कि आप जो है अपना नया अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है। मैं सबसे पहले इसको जो है इसके रीस जो है मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, ताकि यहाँ से मेरे पास से जो है ये बिल्कुल हट जाए और बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन बन जाए। यहाँ पे देखें कि बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन बन चुका है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही ओपन करता हूँ यहाँ पर देखें अलाउ का ऑप्शन है, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि अलाउ आपने लाजमी करना है। उसके बाद दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने क्या करना है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, जिस मोबाइल नंबर पे आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं अपना कोई भी मोबाइल नंबर दर्ज कर लेता हूँ, उसके बाद जो है यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक OTP आएगा और ख़ुद ब खुद इसमें इंटर हो जाएगा, मैंने यहाँ पर जो है अलाउ कर देना है। अलाउ जैसे ही करना है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए हैं, एक आ गया है CNSE स्कैन का, दूसरा आ गया है इंटर डिटेल का। मैं जो है इंटर डिटेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इंटर डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आ रहा है नाम का, उसके अलावा एक ईमेल आईडी आ रही है। तो ईमेल आईडी अगर आप दर्ज करते हैं तो ठीक है, नहीं दर्ज करते तो ये ऑप्शनल, ये जो है ऑप्शनल है, यहाँ पर इसका कोई इश्यू नहीं है अगर आप दर्ज करें या ना करें। उसके अलावा यहाँ पे तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने आईडी कार्ड नंबर अपना लिखना है। उसके अलावा यहाँ पे चौथे नंबर पर जो है आपने अपने CNSE की इशू डेट लाजमी दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आगे आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, आपने अपना पिन रीसेट कर लेना है। ये है बहुत ही आसान तरीका, इसके मदद से जो है आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब बात आती है कि आपने वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आपको किसी न किसी रिटेलर के पास जाना पड़ेगा या ऑफिस में जाना पड़ेगा, उनको जाके सिंपल आपने यही बताना है मेरा अकाउंट वेरिफिकेशन कर दें, तो वो आपका अकाउंट वेरिफिकेशन कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे जो है आप अकाउंट बायोमेट्रिक करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको एक बार रिटेलर से बायोमेट्रिक कराना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है आप किसी भी बैंक अकाउंट में किसी से पैसे मंगवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से जो है आप अपने अकाउंट की लिमिट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, 15 लाख रुपए तक की लिमिट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, हमारी न्यू वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आती है सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आई एम खुर्शीद अहमद शाह, आप देख रहे हैं पाक टेक रिव्यू चैनल। दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।